नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियोस में हम सभी जानेंगे किस तरीके से हम एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बना सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript की मदद से। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने इसका सोर्स कोड आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप मेरे से पर्सनली भी चाहते हैं ये सोर्स कोड, तो मेरे को Instagram या Facebook पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का हमने एक म्यूज़िक प्लेयर बनाया है जिसमें मैंने 9 सॉन्ग लिए हैं। आप लोग कितने भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस म्यूज़िक प्लेयर में हम जैसे ही किसी भी सॉन्ग पर सिंगल टैप क्लिक करेंगे तो हमारा सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा, और हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सॉन्ग स्टॉप हो जाएगा। तो मैं सिंगल टैप करके इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कौन तुझे एक सॉन्ग है, मैंने इस पर सिंगल टैप करके स्टार्ट कर दिया, और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे हमारा टाइटल होता है यहाँ पे ये सॉन्ग चल रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो सिंपली मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा किस तरीके से हमने सिंगल क्लिक किया तो हमारा सॉन्ग प्ले हो गया था, और हमने डबल क्लिक किया तो हमारा सॉन्ग ऑफ हो गया। तो सिंपली ऐसे ही हम किसी भी सॉन्ग्स पे अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारा सॉन्ग्स प्ले हो जाएगा, एंड डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सॉन्ग्स ऑफ हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने दूसरे सॉन्ग्स पे, जो दिनो जेम्स का सॉन्ग है, एंड सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं हमारा म्यूज़िक ऑन हो चुका है, एंड सिंपली हमें टाइटल में भी हमारा म्यूज़िक चल रहा है। दोस्तों, अगर इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो हमारा सॉन्ग्स ऑफ हो जाएगा। तो आज इस सॉन्ग्स के लिए इतना ही। तो दोस्तों, हम अगर किसी भी सॉन्ग्स पे अगर इसी तरीके से क्लिक करते हैं तो हमारा म्यूज़िक प्लेयर ऑन हो जाएगा, एंड सिंपली हम ये एक बापू सॉन्ग है हरियाणवी, तो इस पर सिंगल क्लिक करते हैं। देख सकते हैं अगर हम इस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो ये हमारा सॉन्ग ऑन हो गया। तो दोस्तों, ये कुछ हमारा इस तरीके का सॉन्ग चलेगा। तो अगर हम इसी पे तो दोस्तों इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सॉन्ग्स ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी सॉन्ग्स पे, अगर आपने देखा किसी भी सॉन्ग्स पे हम सिंगल या डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सॉन्ग ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम पहले एक बार हमारे जो हमने कोड लिखा है वो आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कोड्स को आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, या तो आप मेरे से सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप सभी देख सकते हैं मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा ये HTML और JavaScript का कुछ कोड है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपली ये हमारा CSS का पार्ट है, आप यहाँ से CSS को भी स्क्रीनशॉट, या आप अगर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। देन दोस्तों, आपने कोड्स देख लिए, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो फिर आपको रन करा के दिखा देता हूँ, ताकि आप सभी को लगे कि हाँ, हमने ये कोड्स रन कर रहा है हमारा प्रॉपरली। तो सिंपली हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। और दोस्तों, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, और हम अपनी कॉपी फाइल्स, जो हमने कॉपी फाइल बात किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली। देन दोस्तों, जैसे हम इसको कॉपी फाइल करते हैं, देख सकते हैं आप सभी हमारे पास उसी टाइप का ऑप्शन आ गया है हमारा म्यूज़िक प्लेयर से। सिंपली हम इस पर अगर सिंगल क्लिक करेंगे देन वही हमारा प्ले ऑन हो जाएगा सॉन्ग्स। जैसे मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ, जैसे हम इस पर सिंगल क्लिक करते हैं अगर इस पर हम दोस्तों डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। सिंपली हम अगर किसी भी सॉन्ग्स पे इसी तरीके से सिंगल्स टैप करते हैं या डबल टैप्स, तो हमारा सॉन्ग्स ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमने अपना ये प्रोग्राम लिखा है। तो अगर दोस्तों कोई भी अगर प्रोग्राम में डाउट है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली मुझसे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना है तो मेरे से पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियोस के लिए यहीं तक। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है
तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इसी तरीके की मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ ताकि हम लोग कुछ नया सीखें, किस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये पर्सनली मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पर्सनली वीडियोज़ भी बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप सोर्स कोड से सीख सकते हैं तो आप लोग सिंपली सोर्स कोड डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप उसको समझ सकते हैं, सीख भी सकते हैं, बहुत इजी है अगर आप सभी को जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर दोस्तों तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप सभी को मैं एक बार सोर्स कोड और दिखा देता हूँ, ये आप सभी देख सकते हैं, हमारा HTML एंड CSS। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आप सभी को वीडियोस पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। Thank you.